ऐसा है जी, इसमें जो ये चीज़ है ना, प्रोफाइल बहुत ज़्यादा दे दी गई है, क्योंकि गाड़ी है जी लोड के लिए, क्योंकि इसमें क्या रहता है जी, लोड में झटका लगता है, इसलिए प्रोफाइल जो है वो बहुत ज़्यादा दे दी गई है। 15 इंच के रिम अलॉय तो आपको पता इसमें मिलती नहीं है, क्योंकि जो दूसरी गाड़ी होती है उसमें प्रोफाइल कम भी रह जाती है, क्योंकि वो हल्के वेट पर चलनी होती है, ये ज़्यादा लोड पर चलता है। ठीक है जी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में, और इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए बलेरो पिकअप FB 1.3T। गाड़ी की लंबाई काफ़ी अच्छी है, पीछे की लंबाई बढ़ाने के लिए आगे का जो केबिन है थोड़ा सा छोटा कर दिया, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बोनट छोटा है, काफ़ी फ़र्क है सामने से। बाकी दिखाते हैं आपको इसकी लंबाई चढ़ाई और इंजन के बारे में पूरी बात, वीडियो करते हैं जी शुरू। हाँ जी दोस्तों, शुरू करते हैं सामने से। सामने आपको वही पुराना वाला लोगो महिंद्रा का मिल जाएगा, और ये बोलेरो की तरह मिल जाएगी आपको, क्रोम फिनिश में क्लैडिंग थोड़ी सी, और ये है जी इसकी सामने की ग्रिल। हाँ जी, बात करते हैं यहाँ की सामने की हेडलाइट की। हेडलाइट में सामने में आपको हैलोजन बल्ब और पार्किंग लाइट यहाँ मिल जाएगी, और ये आ जाता है यहाँ पे इंडिकेटर, काफ़ी बढ़िया लग रहा है जी। यहाँ पे वाइट कलर में रिफ्लेक्टर दे दिए गए हैं सामने, और यहाँ फोग लैंप की जगह दी है, यहाँ आपको फोग लैंप जो है यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और दोस्तों, जो इसका बम्पर है सामने, ये इस मेटल का है, मतलब प्लास्टिक का नहीं है, फाइबर का, मेटल का जो है, काफ़ी हैवी लुक दिया सामने से। और दोस्तों, यहाँ पर आपको अंदर से दिखाई दे रहा होगा रेडिएटर, पीछे रेडिएटर ग्रिल है जो इसमें के साफ दिखाई दे रहा है अंदर को। यहाँ पे आपको एक इंटरकूलर मिल जाता है, ठीक है, और ये मिल जाती है टोइंग हुक। और दोस्तों, ये बाहर से आपको दिखाई दे रही होगी गाड़ी की कमानी, ये कमानी वाली गाड़ी है जी, आगे भी कमानी है, इसके पीछे भी कमानी, काफ़ी मतलब, क्योंकि माल ढोने के लिए गाड़ी बनाई है तो हैवी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। अब दिखाता हूँ जी पीछे से कैसे लग रही है गाड़ी आपको। हाँ जी दोस्तों, पीछे का लुक कुछ ऐसा है, यहाँ आपको मिल जाएंगी डाले में, यहाँ डाला कह देते हैं इसको, डाले में यहाँ पर आपको पूरी गाड़ी में जो हुक मिल जाती हैं रस्सी डाल के, जैसे आपको कोई जो सामान लादा उसको बांधने के लिए, और यहाँ पे इसको हैंडल मिल जाएंगे आपको पीछे, और ये महिंद्रा लिखा हुआ है, और ये एक रिफ्लेक्टर के तौर पर एक टेप लगा दी गई है पीछे, ठीक है। और यहाँ पीछे आपको इसके जो है वो सेंसर मिल जाएंगे, दो सेंसर लगे हुए हैं, काफ़ी अपडेट कर दिया महिंद्रा ने भी पिकअप को भी। और दोस्तों, इसमें जो पीछे आपको लाइट मिल जाएगी, रिवर्स गियर, स्टॉप लैंप एंड इंडिकेटर, आपको इसमें तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। गाड़ी है जी येलो प्लेट में, यानी कि टैक्स पेड वाली होती है ये, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल है ये, क्योंकि पैसा कमाना है दोस्तों इससे, इसलिए सरकार को टैक्स भी भरना पड़ेगा। यहाँ मिल जाएगी आपको स्टपनी जो इसकी, वो ऊपर से कोई लीवर से नहीं, सीधी आपको ऐसी पीछे निकाल के ऐसी अंदर को डालनी पड़ेगी, ठीक है जी। दोस्तों, बात आ जाती है साइड लुक की, ये है जी फेंडर, फेंडर पे आपको एक इंडिकेटर मिल जाएगा, और मिल जाएंगे यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ओ आर बी एम जो हैं वो मैन्युअली आपको सेट करने पड़ेंगे, ना तो इसका कोई अंदर लीवर है, ना ही कोई बटन है, यहाँ से बाहर से सेट करने पड़ेंगे, ठीक है जी। ये है जी डोर हैंडल, आपको ब्लैक में मिल जाएगा, ये ब्लैक कलर की यहाँ पर एक पट्टी सी दे दी गई है। हाँ जी दोस्तों, बात करें स्टिकरिंग की, यहाँ पर लिखा हुआ जी बोलेरो पिकअप FB 1.3T। दोस्तों, 1.3T गाड़ी का मॉडल है, यानी कि इसको कहीं लीटर मत समझना, जैसे आम गाड़ियों पर लिखा होता 2.2 लीटर वगैरह, ये वो चीज़ नहीं है। गाड़ी का जो इंजन है दोस्तों वो है जी 2.5 लीटर का, ठीक है जी। और ये है जी फुट स्टेप इसका, ये इस तरह का कुछ इसमें मिल जाता है जी नीचे से। और दोस्तों, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की, और अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिलेगा, AC है या नहीं है, किस तरह का इसमें सिस्टम है सारा, ठीक है। दोस्तों, बात शुरू करते हैं डोर से। ये है जी डोर हैंडल, डोर ओपन करने के लिए हैंडल यहाँ मिल जाता है, और जो पावर विंडो दोस्तों इसमें नहीं है, ये हाथ से ही आपको जो विंडो इसके ऊपर करने पड़ेंगे। अब चलते हैं अंदर, अंदर जाने से पहले एक बार चेक करते हैं सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगी आपको, सिंपल सीट है, और जो हैंड ब्रेक है दोस्तों वो आपको राइट हैंड में यहाँ पर मिल जाएगी। फुट स्टेप बिल्कुल उसी तरह का इधर भी। और अब आ गया जी हम अंदर, अंदर बहुत ही सिंपल सा, यहाँ पे आपको एक ब्राउन कलर का जो इंटीरियर मिल जाता है, सिंगल टोन में ही है, डोल टोन में नहीं है, कोई छोटी मोटी चीज़ रखने के लिए यहाँ आपको जगह मिल जाती है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है हेडलाइट सेट करने का बटन। हाँ जी दोस्तों, अब बात आती है स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग व्हील बहुत ही सिंपल सा इसमें आपको ब्लैक कलर का मिल जाएगा दोस्तों, और ये हमारे आ जाते हैं वाइपर के बटन, और इस तरफ हमारे को जो हेडलाइट के बटन वो यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी, सामने आया था जी इसका मीटर, बहुत ही सिंपल सा मीटर है, सामने हमारे को स्पीड मीटर मिल जाएगा, और एक साइड में छोटी सी स्क्रीन जिसे MID बोल देते हैं वो मैं जला के दिखाता हूँ आपको दोस्तों। ये देखो जी मीटर कुछ इस तरह का, इसमें हमें इंजन की जो इंडिकेशन मिल जाएगी, सीट बेल्ट की, और हैंड ब्रेक हो गया, और डीजल का मिल जाएगा, ठीक है जी। और लेफ्ट में हमारे को यहाँ पर
टेम्परेचर और डीजल का मीटर मिल जाएगा। बस ये छोटे से तीन चार चीज़ें इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, इधर हमारे को यहाँ पे छोटा सा स्टोरेज दे रखा है, और यहाँ पे हमारे जो स्टीरियो जो डेक है वो यहाँ पर एक फिट हो जाएगी हमारी, और ये छोटी जगह यहाँ पे 1000 बटन जो पार्किंग लाइट का वो हमें यहाँ मिल जाता है। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा जी 12 वोल्ट DC सॉकेट, यहाँ हम अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर हाथ डाल के ऐसे बंदा बैठ सकता है आराम से, हैंडल दे दिया गया है। एयर बैग इसमें दोस्तों नहीं है, और ये है जी इसका ग्लव बॉक्स जिसमें सर्विस बुक वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ जी। हाँ जी दोस्तों, विंडो जो शीशा बंद करने के लिए जो हैंडल है वो इधर ऐसे दे दिया गया है, और ये लॉक है, और ये जो है हैंडल बंद करने के लिए। हाँ जी मित्रों, अब बात आती है जी ट्रांसमिशन की। इसमें आपको 5-स्पीड ट्रांसमिशन मिल जाएगा मैनुअल, ऑटोमेटिक में आपको पिकअप नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है, वो है मैनुअल का। और अब बात आ जाती है केबिन की। केबिन में इधर मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये है सनवाइजर, लेफ्ट का सनवाइजर, ये भी प्लेन वाला ही है। इधर भी आपको मिरर वगैरह इसमें नहीं मिलेगा। ये IRBM है जी, ये भी बिल्कुल मैनुअली हाथ से आपको सेट करना पड़ेगा। और दोस्तों ये यहाँ पर एक आपको लैंप मिल जाता है, और काफ़ी ठीक ठाक सी जगह है। इसमें आप आगे एक जो ड्राइवर सीट होगी, और 2 लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। और जो जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था काली वाली पट्टी, जो वो इस चीज़ की है, आप यहाँ से इसकी जो एयर है गर्म वगैरह हवा जो वो बाहर निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ इस तरफ, ये इसको अगर आप ऊपर करोगे, ये नीचे करोगे बंद हो जाएगा, ऊपर करोगे तो यहाँ से इसकी जो हवा अंदर की है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, बात कर लेते हैं गाड़ी की चौड़ाई की। गाड़ी की चौड़ाई है जी 1700 mm, और गाड़ी की जो लंबाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ साइड से, 5215 mm, यानी कि 5215 mm की लंबाई गाड़ी की। बहुत ही तगड़ी, अगर आप करना चाहते हैं काम, लोड का पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये गाड़ी ख़रीदो जी, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। और दोस्तों बात आती है गाड़ी की ऊंचाई की। ऊंचाई है जी 1865 mm की, साइड से चेक करो, बहुत ही बढ़िया ऊंचाई, ठीक है। अब बारी आती है जी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की, जो कि हमें ऊंचे नीचे रास्तों पर जाना पड़ता है। कुछ फैक्ट्रियाँ वगैरह अंदर बाहर भी होती हैं, और गंदे रास्तों पर भी जाना पड़ता है, इसलिए ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिल जाएगी दोस्तों इसमें, जो कि काफ़ी अच्छी है। इस टाइम गाड़ी खाली है बिना लोड के, इसलिए बहुत ज़्यादा ऊंची लग रही है, लेकिन जो ग्राउंड क्लियरेंस जो हमारी जो लोड में आ जाएगी वो पूरी हमें 200 mm की मिल जाएगी, ठीक है जी। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन की, देखते हैं जी पावर कितनी है गाड़ी में। हाँ जी दोस्तों, बोनट चेक करो, बहुत छोटा सा बोनट है, खिड़की जितना बड़ा ऐसे मैंने उठाया, और एक हल्का सा बिल्कुल छोटा सा। और दोस्तों ये है जी BS6 इंजन, ठीक है जी। यहाँ से साइड में चेक करो जी, पूरा सिस्टम वगैरह जैसे उसमें स्कॉर्पियो में इसमें भी लगा हुआ बिल्कुल उसी तरह। आवाज़ बहुत ही बहुत कम नॉइस है, बहुत कम आवाज़ है इंजन की। हाँ जी दोस्तों, इंजन है जी 2.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन है। यहाँ पर ये देखो जी टर्बो लगा हुआ है, और 63 BHP यानी कि 63 BHP पावर है जी। हाँ जी दोस्तों, एक बार इंजन देख लो पूरा। ये है जी इसका एयर क्लीनर आ गया जी, ये ब्रेक सिस्टम है यहाँ पे सारा, पानी वहाँ डलता है जी। ये है जी बैटरी, ये वाइपर का पानी यहाँ आ जाता है, ये कूलेंट डल जाता है यहाँ पे। ये सारा जो पूरे का पूरा इंजन आप चेक कर लो, बहुत ही बढ़िया, छोटी सी थोड़ी सी जगह में इंजन फिट कर दिया गया है, ठीक है जी। हाँ जी दोस्तों, अगर बात करते हैं इसके लोड की, ये लोड कितना उठा सकता है दोस्तों, इसमें 1280 यानी कि 12 क्विंटल 80 किलो जो लोड है वो पास है, ठीक है जी। बाकी आपकी मर्जी, इतना मर्जी भर लो, गाड़ी बहुत तगड़ी है, लेकिन जो पासिंग है, जो रोड पे आपको ले जाने में दिक्कत नहीं आएगी, वो 10 से 12 क्विंटल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। हाँ दोस्तों, बात आती है गाड़ी की कीमत की। गाड़ी की कीमत है जी 8,71,000 एक्स शोरूम, और ऑन रोड प्राइस दोस्तों आप अपने नज़दीकी डीलर से जाके पता कर लेना, क्योंकि जी ऑन रोड जो प्राइस है दोस्तों वो कहीं पर कम होता है, कहीं पर थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको कैसे लगी लाइक करना, कमेंट करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।